For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Aaj main aap sabko Lasso Tool ke baare mein bataunga ki Lasso Tool hum Adobe Illustrator CC 2018 mein kaise use kar sakte hain. Baaki version mein bhi iska same yahi tarika hai use karne ka. Ye tool bhi selection ke liye istemal hota hai. Lasso Tool बहुत ही professional tool है जिस जो हम vector select करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या object select करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर इसका जो shortcut है keyboard shortcut वो Q है. अगर जिस तरह कोई और tool selected है जिस तरह ये भी इस वक्त selection tool selected है और हमें Lasso Tool select करना है तो हम अपने keyboard से Q press करेंगे साथ ही Lasso Tool select हो जाएगा. ठीक है, तो मैं Q press करता हूँ. ये देखिए मैंने Q press किया जैसे keyboard से साथ ही Lasso Tool select हो गया. अब इसके इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ शेप्स बनाता हूँ. ठीक है, जिस तरह मैंने ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ. ठीक है, एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया. उसके बाद मैं फिर एक राउंडेड रेक्टेंगल बना देता हूँ, एक सर्कल बना लेते हैं, एक स्टार बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ इसके अंदर मुख्तलिफ कलर कर देते हैं. ठीक है, ये देखें चार शेप्स हैं, चारों के अंदर मैंने कलर कर दिए. उसके बाद हम इसको लेसो टूल के साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो मैंने अपने जो माउस है उसका जो लेफ्ट की है उसको मैंने प्रेस किया हुआ है. ठीक है, और इन दोनों को मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा. ठीक है, ये देखें ये दोनों सेलेक्ट हो गए. सिलेक्शन के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं जिस तरह. ठीक है, या मूव कर सकते हैं या इसका कलर चेंज कर सकते हैं या इसको आप डिलीट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के साथ. अगर आप प्रेस करेंगे डिलीट तो डिलीट हो जाएगा. ठीक है, दोबारा आपको बताता हूँ. ठीक है, लेसो टूल को सिलेक्ट कर लें उसके बाद. ठीक है, ये देखें अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ. ठीक है, ये स्टार, ये सर्कल और ये रेक्टेंगल. ठीक है, ये देखें तीनों सिलेक्ट हो गए. तो ये तरीका था लेसो टूल यूज़ करने का. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. बहुत आसान टूल है ये, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ये भी यूज़ होता है, लोगोस डिज़ाइनिंग के लिए होता है. तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फ्यूचर अपडेट्स. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.